मॉर्निंग स्टूडेंट्स वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम सेंट एंजल्स पब्लिक स्कूल बागपत स्टूडेंट दिस इज द दोएम ऑफ द हॉर्नबल बुक द वॉइस वॉइस ऑफ ऑफ रेन आवाज रेन तो यहाँ पर रेन की आवाज की बात होने वाली है एंड द पोएट नेम इज वॉल्ट विटमैन स्टूडेंट इन दिस पोएम द पोएट गिव्स एन इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज एनकाउंटर विद द रेन मतलब एक कल्पना करता है जो पोएट है कि उसका आ, उसकी बात होती है रेन से द रेन वॉज फॉलिंग इन अ सॉफ्ट शावर मतलब रेन बारिश जो है धीरे धीरे करके गिर रही है द पोएट आस्क द शावर हु ही वॉज और पोएट अपनी ही इमेजिनेशन में उससे बात करता है और पूछता है कि तुम कौन हो द शावर रिप्लाइज इन द वॉइस ऑफ रेन और वो शावर वो बारिश जो धीरे धीरे ड्रिजलिंग जो हो रही है वो उसको जवाब देती है वो ही है द वॉइस ऑफ द रेन नाउ कमेंट द चैप्टर एंड एंड आर्ट दाओ सेड आई टू सॉफ्ट फॉलिंग शावर हु आर्ट दाओ दाओ मीन्स यू

मतलब कि जैसे ही बारिश से सवाल पूछा गया आप भी सोचेंगे कि बारिश से हम कहाँ क्वेश्चन कर सकते हैं कहाँ वो हमें जवाब दे सकती है तो और हम तो बात लिविंग बींग है तो लिविंग बींग से ही हम कर सकते हैं बात हम ट्रीज जो कि लिविंग बींग में आते हैं लेकिन हम उनसे भी बात नहीं कर सकते क्योंकि वो ह्यूमन बींग की तरह नहीं है है ना ह्यूमन बींग बोलना सोचना समझना लिखना पढ़ना जानते हैं लेकिन ऐसा ट्रीज़ के साथ नहीं है हालांकि वो बायो की लैंग्वेज में लिविंग बींग है लेकिन वो वैसे लिविंग नहीं है तो यहाँ पर फिर बात कैसे हो सकती है कैसे कम्युनिकेशन हो सकता है तो यहाँ पर पोएट ने जब हम किसी भी थॉट को किसी आइडिया को हम लिविंग बीइंग बनाकर पोएम में प्रेजेंट करते हैं तो पोएटिक डिवाइस होती है पर्सोनिफिकेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मानवीकरण है ना हिंदी के अलंकार में हम उसे क्या बोलते हैं मानवीकरण तो यहाँ पर इसमें रेन का मानवीकरण यानी कि पर्सोनिफाई रेन को किया गया है और उसे एक लिविंग बींग समझते हुए पोएट उससे बात करता है और पूछता है कि आप कौन हैं और बहुत अजीब बात यह है बताना यहाँ पर कि गिव मी एन आंसर कि उस सॉफ्ट फॉलिंग शावर ने मुझे जवाब भी दिया एज हियर ट्रांसलेटेड और वो जवाब यहाँ पर आपके लिए ट्रांसलेट किया है आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ द वॉइस ऑफ द रेन और उस बारिश की आवाज ने क्या जवाब दिया आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ कि मैं इस धरती की कविता हूँ हु इज आई हीयर आई हीयर रेन सो मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन फाइंड द क्वेश्चन हु इज आई इन द फर्स्ट एंड थर्ड लाइन ऑफ द गिवन स्टेंजा कि फर्स्ट लाइन में और थर्ड लाइन में आई कौन है तो फर्स्ट में मैंने आपको बताया कि पोएट फॉल्ट बिटवीन हु इज आस्किंग फ्रॉम द स्टॉफ्ट फॉलोइंग शावर कि हु आर द और इन थर्ड लाइन इट इज आई रेफर टू हेयर द वॉइस ऑफ द रेन एटर्नल एटर्नल मतलब फॉर एवर हमेशा से आई राइज मैं उठती हूँ इम पैलेपेबल मीन्स अनटच्ड बिना छुए आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटम लेस सी हेयर रेन टेलिंग इज टेलिंग अबाउट इट्स कि मैं इसी धरती से उठती हूँ इमपैलीपेबल किस फॉर्म में इमपैलेपेबल जिसको छुआ नहीं जा सकता जो अनटस्ड होती है अनटस्ड कैसे होती है आप याद करिए साइकिल को कि कैसे समुद्र पे जब बहुत धूप पड़ती है तो वाटर जो है ई हो जाता है वेपर की फॉर्म में उठती है तो वेपर तो हम देखते नहीं हैं ना ही हम उसको टच कर सकते हैं तो रेन कैसे उठती है समुद्र से इमपैलिपेबल अनटस्ड आउट ऑफ द लैंड कहाँ से उठती है लैंड एंड द बॉटम लेस सी ऐसे जमीन से जितनी भी वाटर बॉडी है लैंड पर उनसे और बॉटम लेस उन समुद्रों से जिनकी गहराई का भी हमें अंदाजा नहीं है अपवर्ड टू हेवन और किधर जाती है अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ टू हेवन हेवन मीन्स पैराडाइज ऊपर जाती है आसमान की तरफ हियर स्काई इज सेड टू बी हेवन स्काई को बोला गया हेवन तो किधर जाती है अप टूअर अपवर टू हेवन वेंस वेंस मींस वेयर वेग्यूली फॉर्म्ड ऑल टूगेदर वेग्यूली मींस अनकलियर वे में फॉर्म्ड मिल जाना ऑल टूगेदर मिल जाती हूं चेंज्ड चेंज्ड एंड य सेम चेंज तो हो जाती है लेकिन अभी भी सेम है सेम कैसे है कि हम देखते हैं बारिश मतलब समुद्र का या लैंड की जितनी भी वाटर बॉडीज हैं जितने भी तालाब हैं नदियाँ हैं वहाँ से पानी ही ई वैपरेट होकर ऊपर की तरफ उठता है और जब बारिश आती है तो मेन कॉन्सिटेंट भी उसमें क्या है वाटर ही है तो वापस पानी ही इस जमीन पर इस धरती पर वापस लौट के आता है तो चेंज्ड मतलब कि यहाँ पर फॉर्म तो चेंज हो गई है कि वेपर की फॉर्म में उठा पानी और ऊपर जाके क्लाउड में चेंज हो गया लेकिन जब वापस आया जमीन पर लौट कर तो वाटर ही आता है स्टूडेंट मार्क द डिफिकल्ट वर्ड स्ट्रेंज पिक्यूलर दाउ यू सॉफ्ट फॉलिंग शावर ड्रिजलिंग ट्रांसलेटेड कन्वर्टेड इम्पेलेपेबल अनटस्ड एटर्नल फॉर एवर Then these are the difficult words. Mark the poem here. We will complete it in our next class. Thank you. Have a nice day.